हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड। अंतर्वस्तु के संबंध में है ये क्राइटेरिया प्रिपेयर्ड बाय डी के व्हीलर। किसी भी पाठ्यक्रम के लिए अंतर्वस्तु के चयन का आधार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके निर्देशक सिद्धांत क्या है तथा इसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए, इस संबंध में सर्वमान्य दृष्टिकोण यद्यपि आज तक नहीं तैयार हो सका है, किंतु फिर भी अनेक विद्वानों ने अपने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। यहाँ पर आज के इस टॉपिक यानी कि व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड देखेंगे हम। इन्होंने क्या मानदंड स्थापित किए हैं अंतर्वस्तु के चयन के लिए। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मानदंड को दो भागों में विभाजित किया गया है, वैसे तो मुख्य रूप से मुख्य मानदंड तथा गौण मानदंड। मुख्य मानदंड मेन और प्राइमरी क्राइटेरिया, इसके अंतर्गत कुछ बिंदु आते हैं जैसे कि वैधता, वैलिडिटी, महत्व, इम्पोर्टेंस आदि। गौण मानदंड के अंतर्गत शिक्षार्थी की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियां, नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, उपयोगिता यूटिलिटी, अधिगम योग्यता लर्निंग एबिलिटी, सामाजिक तथ्यों के साथ संगति आदि। अब सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य मानदंड क्या है। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है वैधता यानी कि वैलिडिटी। व्हीलर के अधिगम अनुभवों के चयन के मानदंडों में वैधता को प्रथम स्थान दिया गया है, अतः उसके अनुसार अंतर्वस्तु के चयन में भी वैधता को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। वैधता के अर्थ में दृष्टिकोणों के आधार पर भिन्नता हो सकती है। जहां तक अंतर्वस्तु का संबंध है, वैधता को तीन दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, जिसमें अलग अलग हो सकते हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे हम सबसे पहला तकनीकी दृष्टिकोण। तकनीकी दृष्टिकोण से वैधता का तात्पर्य अंतर्वस्तु और अपेक्षित लक्ष्यों के गहन संबंध से लिया जाना चाहिए। इस दृष्टि से उसी अंतर्वस्तु को वैध कहा जा सकता है जो अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। वैधता के इस दृष्टिकोण में संपूर्ण विषयों के साथ साथ उसके अंश भी लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य छात्रों में तथ्यों को उसी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति विकसित करना है, किस दृष्टि से इतिहासकार उसे देखता है, तब अंतर्वस्तु के रूप में भी किसी भी काल का चयन किया जा सकता है, क्योंकि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी काल समान रूप से उपयुक्त होंगे। किंतु यदि उद्देश्य प्राप्त ज्ञान का उपयोग वर्तमान संदर्भों में करना हो तो प्राचीन काल का चयन मध्यकाल के चयन से अधिक वैध सिद्ध होगा, क्योंकि प्राचीन काल में मध्यकाल की अपेक्षा बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो वर्तमान संदर्भों के अधिक निकट एवं समानता लगती हैं। दूसरा हम देखेंगे इसी के अंतर्गत अंतर्वस्तु की प्रमाणिकता। मानव ज्ञान में जितनी तीव्रता से वृद्धि हो रही है, उतनी ही तेजी से वह बदलता भी जा रहा है। ज्ञान के परिवर्तन के इस क्रम में केवल तथ्य ही नहीं बल्कि इसकी आधारभूत संकल्पनाएं तथा सिद्धांत भी निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। संकल्पनात्मक ढांचे पर निर्भर होने के कारण किसी भी ज्ञान का अस्थायी महत्व होता है। अतः वैधता की दृष्टि से अंतर्वस्तु की प्रमाणिकता सिद्ध करने हेतु इसका निरंतर निरीक्षण किया जाता रहना चाहिए। ऐसा न करने पर प्रमाणिकता समाप्त होने पर भी हम उस अंतर्वस्तु को पाठ्यक्रम में परंपरागत रूप से स्थान प्रदान करते रहेंगे और जो अनुपयुक्त होगा। इसी के साथ तीसरा हम जिसमें देखेंगे अंतर्वस्तु के चयन में की जाने वाली भूलें। कई बार जो है पाठ्यक्रम आयोजकों द्वारा वैध एवं उपयोगी सामग्री कर दी जाती है तथा उसे पाठ्यक्रम में स्थान नहीं मिल पाता। व्यवहार विज्ञानों के क्षेत्र में ऐसा प्राय होता रहता है। उदाहरण के लिए मानव विकास, शास्त्र, संस्कृति और उसके परिवर्तन, मानव प्रकृति तथा मानव मूल्यों से संबंधित पर्याप्त उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकता है।
किंतु सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में इस सामग्री को प्रायः सम्मिलित नहीं किया जाता है। हिल्डा स्टाबा के अनुसार वर्ग समाज, सामाजिक संपर्क, मानवीय परिस्थिति, सामाजिक प्रक्रिया आदि विषयों को प्रथम कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना केवल संभव ही नहीं बल्कि ऐसा करना उपयोगी भी सिद्ध होता है तथा अगली कक्षाओं में उन्हें विकसित किया जा सकता है। इसी प्रकार अधिगम में संबंधित संस्थाएं प्रायः अधिगम प्रक्रिया, पठन कौशल, कार्य तथा अध्ययन की आदतों संबंधी सामग्री की उपेक्षा कर देती हैं जो ठीक नहीं है। प्रायः देखा ये जाता है कि किया तो अंतर वस्तु का चयन उद्देश्यों को ध्यान में रखे बिना ही कर लिया जाता है तथा पहले यानी पहले ही कर लिया जाता है, बाद में उद्देश्यों की दृष्टि से उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि पहले तो जो भी कार्य है वह कर लिया, उद्देश्य बीच में निर्धारित किए गए या कहने का तात्पर्य यह है कि पहले से निर्धारित नहीं किए गए, अब बाद में सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। नीलों के मतानुसार अंतर वस्तु की वैधता के लिए अति आवश्यक है कि उद्देश्यों का निर्धारण पहले ही किया जाए, उसके पश्चात उनकी पूर्ति के लिए उपयुक्त अंतर वस्तु का चयन किया जाए। अब हम देखेंगे महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस उस अंतर वस्तु यानी कि अंतर वस्तु के चयन की मुख्य मानदंड का दूसरा बिंदु उसके महत्व से संबंधित है। किसी विषय वस्तु के महत्व का पता लगाने के लिए दो बातों की जानकारी करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें पहली है उस विषय की आधारभूत संकल्पनाएं एवं अवधारणाएं क्या हैं, उस विषय से संबंधित भी कौन कौन से सिद्धांत हैं जो उसकी सीमाओं को पार करके दूसरे क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। इन दो प्रश्नों के उत्तर पाठ्यक्रम निर्धारकों को इस बात की जानकारी भी दे सकेंगे कि आलोच्य अंतर वस्तु का उपयोग समस्याओं के समाधान अर्थात उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कितने व्यापक क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इनसे तथ्यों को समझने, उन्हें व्यवस्थित करने, उनके पारस्परिक संबंधों को ज्ञात करने, पूर्व अनुमान लगाने तथा नवीन ज्ञान की खोज करने में सहायता मिल सकेगी। अब हम इसी के साथ देखेंगे गौण मानदंड। इसके अंतर्गत चार बिंदु हैं, जिसमें पहला है शिक्षार्थी की आवश्यकताएं एवं अनुमतियां, दूसरा है उपयोगिता, तीसरा है अधिगम योग्यता और चौथा पॉइंट है इसमें सामाजिक तथ्यों के साथ संगति। तो सबसे पहला पॉइंट है, पहले हम उसी पर प्रकाश डालते हैं। पहला पॉइंट है हमारा शिक्षार्थी की आवश्यकताएं एवं अभिरुचियां, यानी कि शिक्षार्थी की क्या आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य वैयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ये तीनों प्रकार की आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास तथा जीविकोपार्जन को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक प्रगति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आवश्यकताओं में भी कई तरह के परिवर्तन आते जा रहे हैं। कुछ वर्षों पहले तक लोग जिन्हें विलासिता की वस्तु कहते थे, आज वही अनिवार्यता का रूप ले चुकी हैं। इसी कारण पाठ्यक्रम आयोजकों को अंतर वस्तु के चयन में समस्या का सामना करना पड़ता है। छात्रों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अंतर वस्तु का चयन इतना कठिन नहीं है, किंतु भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना बहुत सरल नहीं है, क्योंकि जो आज की स्थिति है हमने कभी सोचा भी नहीं था 2 साल पहले। जो आज की स्थिति हो रही है देश में, ये पूरे संसार में ही हो रही है, इसके लिए विभिन्न सामाजिक विषयों के अध्ययन तथा नवीन शोधों के निष्कर्ष की जानकारी आवश्यक हो जाती है। दूसरा हम देखेंगे उपयोगिता। अंतर वस्तु उपयोगी होनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम आयोजकों को किसी भी अंतर वस्तु के संबंध में व्यक्ति तथा समाज में उसके प्रति पहले से जानकारी एवं उपयोगिता के कारण भी उसमें चुनने में कभी कभी कठिनाई होती है। हो सकता है कि पाठ्यक्रम निर्माता उस जो अंतर वस्तु को किसी विशिष्ट जैसे कि जाति हेतु चयनित करना चाहते हैं, किंतु विवाद की वजह से वैसे ऐसा नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए आत्मानुशासन के संबंध में यदि कोई पाठ्य निर्माता या पाठ्यक्रम निर्माता किसी तानाशाही की जीवनी को अंतर वस्तु के रूप में समाविष्ट करता है, तो प्रजातांत्रिक समाज में उसके संबंध में पूर्व प्राप्त तो जानकारियों के कारण इसे उचित नहीं माना जाएगा। अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं को
इस बात पर ध्यान देना चाहिए, उपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अधिगम योग्यता, किस बालक में कितनी योग्यता है इसके अनुसार भी अंतर्वस्तु का निर्धारण करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता अब एक साल विदित एवं सर्वमान्य तथ्य है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं तथा सभी व्यक्तियों में कुछ सामान्य बातें होती हैं। विशिष्टताओं के कारण ही व्यक्तियों में भिन्नता होती है। छात्रों की अलग अलग अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, अभियोग्यताएँ एवं आवश्यकताएँ होती हैं। शिक्षा आयोजकों तथा पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए व्यक्तिगत भिन्नता एक समस्या है, क्योंकि सामान्य रूप से कोई भी पाठ्यक्रम एक ऐसे छात्रों के लिए बनाया जाता है, यानी कि एक जैसे छात्रों के लिए बनाया जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु पाठ्यक्रम में वैविध्य यानी कि अलगता, विभिन्नता का होना आवश्यक है, जिससे छात्र अपनी रुचि, योग्यता, क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर सके। अतः अंतर्वस्तु के चयन तथा पाठ्यक्रम निर्धारण के समय व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट और ये लास्ट पॉइंट हम देखेंगे सामाजिक तथ्यों के साथ संगति। लोकतंत्रीय समाज में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना होता है। लोकतंत्रीय समाज में मानव के व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है तथा सबको अपनी उन्नति करने के समान अवसर तथा समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ऐसे समाज में अधिकारों एवं स्वतंत्रता का सदुपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उचित दृष्टिकोण रखता हो। इसमें कुछ गुण हो सकते हैं, जैसे मानव की व्यक्तिगत शक्तियों एवं गुणों का विकास, अच्छी आदतों का निर्माण, प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, सहनशीलता, कर्तव्यपरायणता आदि सामाजिक गुणों का विकास, आत्म अनुशासन की भावना का विकास, लोकतांत्रिक सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, लोक कल्याण, जीविकोपार्जन की योग्यता का विकास, ये सब सामाजिक तथ्यों के साथ संगति बैठाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये उसमें अवश्य होने चाहिए, इनके अंतर्वस्तु में समाहित होने चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें तथा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।